आज हम लोग क्लास 8 का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो चार्ज्ड है या नहीं है, ओके। और अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो किस तरह का चार्ज वो कैरी करती है, क्या वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो इस डिवाइस से हम ये दोनों चीज़ें पता कर सकते हैं। अब बेसिकली हमारे पास में दो तरह के इलेक्ट्रोस्कोप होते हैं। पहला होता है पिथ पॉल इलेक्ट्रोस्कोप और दूसरा होता है हमारे पास में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पिथ पॉल इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम जो है वो क्या है, एक पिथ पॉल इलेक्ट्रोस्कोप का, जिसमें एक पिथ पॉल जो है वो हमने सिल्क थ्रेड से फ्रीली हैंग कर रखी है एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। आप चाहें तो ये अरेंजमेंट जो है वो घर पर ही बना सकते हैं, बहुत इजी है। क्या कीजिए, एक सिल्क थ्रेड लीजिए, उससे कोई भी प्लास्टिक की बॉल जो है उसको हैंग कर दीजिए। इस प्लास्टिक की बॉल को आप क्या कीजिए, एल्यूमिनियम फॉइल से, एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है उससे आप क्या कर दीजिए, रैप कर दीजिए। तो ये हमारे पास में एक सेम अरेंजमेंट जो है वो तैयार हो गया। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं? तो इसका सो पहला यूज़ होता है कि हम किसी कंडक्टर जो है वो चार्ज है या नहीं है ये पता कर सकते हैं। कैसे? सिंपली हमें क्या करना है, कोई भी बॉडी जो चार्ज है उसे, या अनचार्ज भी है तो उसे इस पिथ बॉल के पास लेके आना है। अगर ये पिथ बॉल जो है ये डिफ्लेक्ट होती है या मूव करती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो चार्ज्ड बॉडी है। कैसी बॉडी है? चार्ज बॉडी। और अगर वो बॉडी जो है या पिथ बॉल जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है या मूव नहीं करता है तो हम ये बोल देंगे कि वो अनचार्ज बॉडी है। जैसे डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बॉडी बी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज कैरी करती है, उसको हम जैसे पिथ बॉल के पास लेके आए तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख पा रहे हैं हम कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन लॉ की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से पिथ पॉल जो है वो मूव कर रही है, ओके। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी जगह कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आते हैं तब भी क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट होती है। उस केस में जो हमारा ये डायग्राम है जहाँ पे प्रोटॉन्स एक तरफ है और इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ है, तो उस केस में हमारे पास में क्या होता है, जैसे कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इस केस में हमारे पास में क्या होता, जो ये डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होता कि जो प्रोटॉन्स होते वो इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते, ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनके दूर होते, ओके। तब भी ये क्या करता, ये मूव करता। तो अगर किसी बॉडी को पिथ पॉल के पास ले जाने पे वो बॉडी जो है वो मूव कर जाए या डिफ्लेक्ट हो जाए तो हम ये बोलेंगे वो क्या है, चार्ज बॉडी है। और अगर वो नहीं मूव होता है तो हम बोलेंगे वो अनचार्ज बॉडी है। दूसरा जो इसका यूज़ है वो ये है कि हम ये पता कर सकते हैं कि वो चार्ज जो है वो किस नेचर का है, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पिथ बॉल को एक पॉजिटिवली ग्लास रॉड जो है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उससे बाय कंडक्शन हम इसको चार्ज कर देंगे। तो जैसे हम इसे टच करवाएंगे तो ये क्या होगी, कंडक्शन में हम टच करके चार्ज करते हैं तो जो चार्ज ग्लास पे होगा वही चार्ज पिथ बॉल पे आ जाएगा। अब हमारा जो पिथ बॉल है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस पिथ बॉल को के पास में जिस बॉडी का चार्ज हमें चेक करना है उसे लेके जाएंगे। मान लीजिए कि वो जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। तो जैसे ही हम ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस पिथ पॉल के पास लेके जाएंगे तो पिथ पॉल क्या करेगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके। डिफ्लेक्ट होके इससे दूर चली जाएगी, या ये बोले कि ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर आपको रिपल्शन देखने को मिले तो हम ये देख समझ जाएंगे कि जो बॉडी है वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर हमें अट्रैक्शन देखने को मिले तो हम ये समझ जाएंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज है, ओके। जैसे अगर हम ये देखें कि ये नेगेटिवली चार्ज होती
तो क्या होता, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती। ओके, तो इस तरीके से हम पिथबॉल को यूज़ करके दो चीज़ें पता कर सकते हैं कि कोई कंडक्टर जो है वो चार्ज है या नहीं है, दूसरा अगर वो चार्ज है तो किस कौन सा चार्ज वो कैरी करती है। जैसे इस इन डायग्राम्स में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो जो भी चार्ज पिथबॉल के ऊपर होगा वही चार्ज, उसका ऑपोजिट चार्ज जो है ये कंडक्टर कैरी कर रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं रिपल्शन हो रहा है, तो जो चार्ज पिथबॉल ने कैरी कर रखा है उसका सेम चार्ज जो है वो क्या कर रखा है इसने कंडक्टर के पास में। तो हम इस तरीके से इनका चार्ज भी पता कर सकते हैं, नेचर ऑफ चार्ज पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे बनता है वो समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ब्रास की रॉड होती है जो आप देख पा रहे हैं ये। ओके, इसके ऊपर एक ब्रास डिस्क होती है, ठीक है, और इन अरेंजमेंट को हम इंसुलेटिंग प्लग से क्या करते हैं, पैक कर देते हैं एक ग्लास केस के अंदर। ग्लास केस क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो गोल्ड लीफ है, ओके, ये एयर के करंट की वजह से, हवा अगर चले तो ये क्या हो, इनमें उनसे बच सके। ओके, और एक मेटल फॉइल जो है उसको हम क्या करते हैं, इस ग्लास केस के अंदर की तरफ नीचे हम इसको रैप कर देते हैं, जिससे ये अर्थिंग से अर्थिंग हो सके, इसकी क्या हो सके, ये इसकी अर्थिंग हो सके। तो समझ में आ गया हमें। ओके, अब जो ये फंक्शन है इसके वो क्या क्या है, पहला कि हम ये पता कर सकते हैं कि चार्जेस जो है वो कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, ये पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल सा कोई भी बॉडी जिसे हमें चेक करना है उसको क्या करेंगे, हम ब्रास कैप पे टच करेंगे। अगर गोल्ड लीफ जो है, जो ये गोल्ड लीफ है, ये मूव नहीं करती है, डिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है। ओके, क्योंकि ये मूव नहीं कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, ये अनचार्ज बॉडी है। और अगर जो हमने बॉडी टच की है वो चार्ज्ड है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये गोल्ड लीफ जो होंगे वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे या मूव कर जाएंगे। ओके, क्योंकि जो चार्ज इसके ऊपर होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास में ये नेगेटिव चार्ज, इसके पास में नेगेटिव चार्ज है मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, ये ब्रास कैप से होते हुए, इस ब्रास रॉड से होते हुए क्या करेंगे, इन गोल्ड लीफ के ऊपर आ जाएंगे। तो गोल्ड लीफ भी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, और क्योंकि ये दोनों गोल्ड लीफ जो नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से हम चार्जेस को पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो चार्ज है या नहीं है। सेकंड जो इसका फंक्शन होता है वो ये पता करने के लिए कि कंडक्टर है कोई बॉडी या इंसुलेटर है, तो वो भी बहुत ईजी। क्या करेंगे, हम दो इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक को हम पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। कैसे करेंगे, सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड लेंगे, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। ओके, और उसको इससे टच करेंगे, टच करने का मतलब क्या हो गया, कंडक्शन के थ्रू हम इसको चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस पे आ जाएगा, इन गोल्ड लीव्स के ऊपर आ जाएगा, और ये एक डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर दिया और दूसरे को एज इट इज़ रहने दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी बॉडी हमें चेक करनी है उसे हम, उससे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, उसका एक पार्ट जो होगा, एक साइड हम चार्ज से ज्वाइन कर देंगे और दूसरे को अनचार्ज जो इलेक्ट्रोस्कोप था उससे कर देंगे। अगर जो अनचार्ज्ड हमारे पास में इलेक्ट्रोस्कोप था उसकी भी लीव्स जो है, गोल्ड लीफ है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हम ये समझ जाएंगे कि वो क्या है, कंडक्टर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर का मतलब ऐसा मटेरियल जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने दे। ओके, तो जो चार्ज यहाँ पर था वो ब्रास रॉड से होते हुए कहाँ चला गया, इस बॉडी के थ्रू इसके अंदर चला गया, और ये जो गोल्ड लीफ है ये क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई। देखिए पहले यहाँ पर क्या था, डिफ्लेक्शन नहीं था,
जैसे हमने इसको टच किया तो ये डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये जो बॉडी है ये कैसी है, कंडक्टर है। अगर हमें बॉडी को टच करने के बाद में भी अगर हमें गोल्ड लीफ में कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता तो हम ये समझ जाएंगे कि वो क्या है, एक इंसुलेटर है। ओके, तो दूसरा फंक्शन इलेक्ट्रोस्कोप का ये होता है। थर्ड जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। पॉजिटिवली चार्ज करना हम जानते हैं कैसे करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेंगे और इसको इससे टच करेंगे तो जो गोल्ड लीफ होगी उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब हमने मान लीजिए कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ही इसको टच की, या हम ये मान लेते हैं कि एक बॉडी हमने इसे टच की। ओके, अगर उस बॉडी के टच करने पे इन गोल्ड लीव्स में और ज़्यादा हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है या रिपल्शन देखने को मिलता है तो हम ये समझ जाएंगे कि वो बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज थी, क्योंकि इस पे और ज़्यादा गोल्ड लीव्स पे और क्या हुआ, और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आया जिसकी वजह से ये और ज़्यादा एक दूसरे से दूर चली गई। तो हम ये क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज थी, क्योंकि पहले भी हमारे पास में जो चार्ज हमने जो दिया था इलेक्ट्रोस्कोप को वो क्या था, पॉजिटिव था। मान लीजिए कि हमने जो बॉडी जो है जो हमें टेस्ट करना है वो हम इससे टच करते हैं, वो उसके टच करने पे इनके अंदर जो गोल्ड लीफ था उनमें डिफ्लेक्शन कम हो जाता है, जो डिफ्लेक्शन हम एक दूसरे दूर जाते हुए देख रहे थे वो थोड़ा सा नज़दीक आ गई, जैसे कि डायग्राम ए में देख पा रहे हैं और सी में हम देख पा रहे हैं। ए के अंदर अगर आप देखें तो थोड़ा डिफ्लेक्शन ज़्यादा है और सी में थोड़ा डिफ्लेक्शन कम है, तो क्या होगा, हम ये देख के हम ये समझ जाएंगे कि जो बॉडी जिसको हमने टेस्ट किया है वो कैसा है, कैसी है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेचर को पता कर सकते हैं कि चार्ज का नेचर क्या है। सिमिलरली हम एक और चीज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि हमने एक इबोनाइट रॉड ली और उसको नेगेटिवली चार्ज किया, जैसे ही हमने नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड को इलेक्ट्रोस्कोप से टच किया तो गोल्ड लीफ में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि इसने वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। अब जो हमें बॉडी को टेस्ट करना है उसको हमने टच किया, उसके टच करने पे अगर हम और ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि वो बॉडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। और अगर वो बॉडी जो है टच करने पे डिफ्लेक्शन कम हो जाता है गोल्ड लीव्स में तो हम ये समझ जाएंगे कि वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करके ये दोनों चीज़ें पता कर सकते हैं, या ये कहें कि तीनों चीज़ें पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो चार्ज्ड है या नहीं है, और अगर चार्ज है तो किस तरह का चार्ज वो कैरी करती है, और साथ ही साथ ये भी पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ओके, थैंक यू।